स्टेट कल्चर एसोसिएशन ने प्रदेश में होने वाले समारोह को लेकर कलाकारों के ऑडिशन का विरोध जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपी जैक्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समारोह को लेकर पुराने कलाकारों के ऑडिशन लेना गलत है। उन्होंने कहा कि नए कलाकारों के ऑडिशन लेने चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ऑडिशन में सिर्फ चहेतों को चयनित किया जा रहा है। ऑडिशन हो रहे हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे। हमने भरपूर प्रयास किया डीसी साहब को बोलने का, एसडीएम साहब को बोलने का, जहाँ भी मेले हो रहे हैं हम उनको लिखित लेटर भेज रहे हैं कि ये ऑडिशन नहीं होने चाहिए। इसके बावजूद भी हमने 3 तारीख को डीसी शिमला से मिले, उसके बावजूद भी हमने उनको काफ़ी लाख प्रयास किया कि ऑडिशन नहीं होने चाहिए। अगर आप ऑडिशन करवाना भी चाहते हैं तो नए कलाकारों का करवाओ जो फर्स्ट टाइम हम स्टेज पर चढ़ रहे हैं। जो 30-35 सालों से कलाकार स्टेज में गा रहे हैं उनका कोई ऑडिशन का मतलब नहीं बनता है। वो जाने माने कलाकार हैं जिनके ऑडियो वीडियो इस टाइम चल रही है, यूट्यूब में अच्छे गाने चल रहे हैं और नामी कलाकार हैं। तो हमारा संगठन भी इसी तरह हिमाचल के कलाकारों के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। जो कलाकारों के साथ शोषण हो रहा है उसे रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो हमारी यही आग्रह है कि सरकार से कि ये ऑडिशन की जो धांधली चल रही है ये कलाकारों का एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। होना क्या है कि ऑडिशन में अगर इनके 200 कलाकार आते हैं उसमें से ये 30-40 को सिलेक्ट करेंगे और बाकी जो होगा वही जो मतलब सचिवालय से जो फ़ोन आएंगे उन कलाकारों के प्रोग्राम हो जाएंगे। जो ऑडिशन जिन्होंने दिया है उनको हमने बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, उनको बाहर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।